बहुत बहुत अच्छा लग रहा है, सीरियसली मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पर ये जो बगीचा है ना, ये बहुत अच्छा है, बहुत शांति है यहाँ पर। एक और सबसे बड़ी बात, यहाँ के जो छोरा है वो बहुत शरारती है, सच में बहुत शरारती है। वीडियो बनाना भी बहुत टफ हो गया। क्या कर रहे देखो यहाँ पे। क्या खेल रहे हो तुम लोग? लट्टू लट्टू लट्टू। लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन यहाँ बताया जाता है कि राधा कृष्ण जी का एक दो पेड़ हैं जो स्वयं राधा कृष्ण जी की ही अनुभूति देते हैं। तो आइए वो सब भी हम दर्शन करते हैं। आगे चलते हैं, आइए। पता है मुझे ना इतनी खुशी हो रही है कि हमारे लाडो और हमारे लाला हमें कहाँ कहाँ लेके आ रहे हैं। और आज ना मेरा लाला बहुत सारे फूल लेके आया है लाडो को देने के लिए, सोचो। ये दो पेड़ देखिए आपस में जुड़े हुए हैं। एक नीचे देख जी, साड़ी की पटली है, जी साड़ी की पटली है, ये घूंघट है। अच्छा राधे राधे। और ये है वो दो वृक्ष जो आपस में जुड़े हुए हैं और इन्हें राधा कृष्ण के पेड़ कहा जाता है। और यहाँ पर बताया जाता है कि यहाँ पर बैठकर हमारी लाडली जो है स्नान किया करती थी इस बगीचे में। और यहाँ पर उनको बोला जाता है कि उनके जो वस्त्र पहनाते थे तो ये पटलिया टाइप की बनती थी, देखिए आप यहाँ पे। और ये जो है ये घूंघट, इसका जो नाम दिया है, सब बोलते हैं कि ये राधा रानी को जो घूंघट की तरह अनुभूति होती थी या जो करते थे छोटी सी बच्ची का, तो ये घूंघट का वो प्रतीक है, ये खेलने का। और यहाँ पर ये कान्हा जी का मुकुट है, ये वाला कान्हा जी ऐसे बन बन के खेलते थे। अच्छा गुट्टू बन बनते थे। तो यहाँ पर ये उनका मुकुट है छोटा सा। और ये एक पत्थर है, यहाँ पर है वो शिला जिस पर हमारे छोटे से लाला कन्हैया बैठकर यहाँ पर बांसुरी बजाते थे और सामने गाय चरती थी। तो इन दो पेड़ों को पूरा स्वयं राधा कृष्ण की जो है साक्षात्कार बोला जाता है कि राधा कृष्ण ही हैं, क्योंकि यहाँ पर वो बैठे थे, यहाँ पर उन्होंने स्नान किया था, बांसुरी बजाई थी। ये देखिए ये सुंदर सा एक छोटा सा सुंदर सा बगीचा है। और सामने जो दिख रहा है वहाँ पर लाडली का झूला है जो मैंने आपको दर्शन कराए थे। बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर।